सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हो सब लोग? तो देखो गाइस, तुम्हारा भाई चुका कमाल की वीडियो के साथ वापस। और इस वाली वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि iOS 17.0.3 हमको अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इससे पहले जो अपडेट था iOS 17.0.2, इसमें हमको BGMI में काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप, हीटिंग वगैरह देखने को मिला था, लैग वगैरह। अब इस वाला नया अपडेट आया, उसमें क्या हमको फ्रेम ड्रॉप, हीटिंग वगैरह, लैग देखने को मिलता है कि नहीं मिलता BGMI में, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और आप डर रहे हो कि ग्रीन स्क्रीन वगैरह आएगा, तो आप वीडियो पूरा देखते रहना, आपको सब पता चलेगा कि क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके हमारे डिवाइस पे और बैटरी हेल्थ वगैरह पे। तो आप वीडियो पूरा देखते रहना। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका अपडेट आ चुका है। तो आ जाओ, तो देख सकते हो गाइज़, आप हमारे आईफोन 13 में आ चुका है इसका अपडेट iOS 17.0.3। इसके पहले वाला जो अपडेट था उसमें तो हमको काफ़ी ज़्यादा लैग वगैरह देखने को मिला था। अब ये वाला अपडेट आया तो इसको मैं अपडेट करके आपको दिखाऊंगा। मतलब मैं गेम खेला था, 2 TDM और 2 क्लासिक मैच, तो मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ अगर मेरे को क्या क्या देखने को मिला और हीटिंग, फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिला कि नहीं मिला, तो उसके ऊपर मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरा देखते रहना। अब देखो मैं आपको अपडेट दिखा दे रहा हूँ, अपडेट देख लो आप। iOS 17.0.3 अपडेट आ चुका है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है मैं आपको आगे बताता हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखते रहना। तो गाइस देख सकते हो कि मैंने अपडेट कर लिया है iOS 17.0.3 और मैं आगे अब इसका रिव्यू भी देने वाला हूँ गेम का, कि मैंने 2 TDM और 2 क्लासिक मैच करा, तो उसमें मेरे को क्या क्या देखने को मिला, फ्रेम ड्रॉप वगैरह। तो वीडियो पूरा देखते रहना। और हाँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर BGMI के रिलेटेड आपको सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। और मैंने गाइस लैग फिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया, तो वो देख लेना। अब देखो आप मेरी बैटरी हेल्थ भी देख सकते हो, पूरा 100% है। मतलब बैटरी हेल्थ पर कुछ तो इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब गाइस गेम की बात करते हैं। अब देखो गाइस, मैं तुरंत गेम निकला था, मैं अपडेट करने के बाद 15 मिनट तक फ़ोन को ऐसे ही मतलब रहने दिया, फिर उसके बाद फ़ोन उठा के मैंने रिस्टार्ट किया। अब रिस्टार्ट गाइस ना सब पावर बटन वो दबा के करते हैं, पावर बटन और वॉल्यूम बटन वो सब दबा के करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट सीरी से करवा लिया। सीरी को बोला मैंने, सीरी रिस्टार्ट डिवाइस, तो सीरी ने मेरे को मतलब ऑप्शन दिए, तो मैंने वहाँ से रिस्टार्ट कर लिया। आप वहाँ से भी कर सकते हो अगर आपको रिस्टार्ट करना नहीं आता है तो। गाइस ये मेरा सिंपल ट्रिक है, बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो आपको कैसे रिस्टार्ट करना है, लेकिन मैंने ऐसे नॉर्मली से कर लिया रिस्टार्ट। अब आपको आपकी इच्छा हो जैसे आपको रिस्टार्ट करना है वैसे आप कर सकते हो। तो देखो अब गाइस मैं आपको आगे रिव्यू देने वाला हूँ। तो उससे पहले अपन बात कर लेते कि आपको iOS 17.0.3 अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो गाइस, मैंने तो अपडेट कर लिया, क्योंकि मेरा तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप वगैरह हो रहा था, हीटिंग वगैरह, तो मैंने तो कर लिया। अगर आपका नहीं हो रहा था तो आप मत करना, अगर हो रहा तो आप कर लेना, क्योंकि इसमें ना फ्रेम ड्रॉप, हीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिला है। अब देखो गाइस, मैं मेरे डिवाइस की बात करूँ तो मेरे पास 30 है और इसको लिए 1 महीने के ऊपर हो गया है कुछ, तो मेरे को ना फ्रेम ड्रॉप, हीटिंग वगैरह 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 देखने को मिला था iOS 17.0.2 पे। अब iOS 17.0.3 आया तो मैंने कर लिया, तो मैं 2 मैच TDM और 2 मैच क्लासिक खेला, तो मेरे को इसमें देखने को नहीं मिला है। और आगे देखते टाइम जाता है जैसे मतलब आप इस अपडेट पर, तो देखते कितना मतलब अभी तो नया है तो देखने को नहीं मिला, जैसे जैसे अपडेट मतलब टाइम जाता है तो देखते क्या देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसके बाद ही सब पता चलेगा कि देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फिलहाल के लिए तो मेरे को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर आपको अपडेट करना है तो आप कर सकते हो। अब देखो गाइस, मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको 2 मैच TDM के और 2 मैच क्लासिक के। अगर इतना मैच में गाइस मेरे जब iOS 17.0.2 पे मैं खेलता ना, तो मेरा पहले TDM में मतलब फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिल जाता मेरे को। मैं मतलब खेलता था, मेरे को पता है, मतलब हल्का हल्का सा चिपकता था। और ये वाला मैं खेला ना गाइस, मेरे को कुछ देखने को नहीं मिला। और मैं पहला मैच ना गाइस स्मूथ पे खेला था और दूसरा मैच मैं HD पे खेला था, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन गाइस मेरी बात मानो, बिल्कुल भी लैग देखने को मिला। मैं HD पे खेला था, वो भी ड्रैगन विलेज पे उतरा था, मतलब काफ़ी सारे बंदे आए थे स्क्वाड में, लेकिन मेरे को वहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला था। हाँ मेरा मतलब जब मेरा क्या बोलते हैं, मेरा पिंग गया था तब मेरा मतलब गेम चिप गया था, वो बात अलग है, क्योंकि पिंग गया था मेरा 150 के अराउंड कुछ चला गया था, VIC के सिम से खेल रहा था। अगर Airtel पे होता तो मेरा नहीं जाता इतना ज़्यादा, तो आप बिंदास कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब बैटरी हेल्थ पे भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेंगे आपके और ग्रीन स्क्रीन का इश्यू भी नहीं आएगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपका जब iOS 17.0.2 था वहाँ पे लैग कर रहा था, तो आप बिंदास ये वाला अपडेट कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा था तो आप मतलब रहने दो, नहीं हो रहा था तो फिर मत ही करना। नहीं करना मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आपका जब कोई दिक्कत ही नहीं तो करना, क्यों फिर आप ये अपडेट करोगे, फिर इसके बाद लैग, फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो फिर मत करना। अगर हो रहा था तो आप कर सकते हो, नहीं हो रहा था तो मत करना, मैं ये बोलना चाहूँगा। बाकी आपकी इच्छा, आप जो करना वो कर सकते हो। और हाँ गाइस, अपन HDR प्लस एक्सट्रीम बूटकैम्प सेनहो का टेस्ट लाने वाले, वो भी हैंडकैम के साथ। अगर आपको देखना है वीडियो तो जल्दी से 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, उसके बाद अपन वीडियो डालेंगे। और हाँ गाइस, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से आप वीडियो देख के चले जाते हो, कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता, तो यार कर दिया करो, क्या जाने वाला है आपका, मतलब कुछ पैसा नहीं लगने वाला, सिर्फ आपका थोड़ा टाइम ही जाएगा ना,
तो जल्दी से कर दो यार, ऐसे तो आप फालतू मेरे इंस्टाग्राम पे रील भी देख लोगे, तो उससे अच्छा मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो, तो थोड़ा आपको मतलब कुछ सीखने को मिलेगा, और भी जीएमए के रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ करो यार। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, आपको मेरे को कमेंट करके बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, तो कमेंट कर देना प्लीज़। और चलो तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।